हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स। और इस चैप्टर का जो एग्जांपल 3 है ये कर रहे हैं। यहाँ हमें 12 × 35 इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो कि हम अलग अलग मेथड से इसको कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके दिखा रखा है, साथ ही साथ आप इसका आंसर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं, जो कि इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बना देगा। ठीक है, तो आपको जैसे कहा जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, तो फिर आप उस हिसाब से भी ये कर सकते हैं। हम बारी बारी से दोनों मेथड करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं 12 × 35 का सॉल्यूशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। लेट अस डू। तो देखिए, यहाँ पर 12 है हमारे पास और 35। तो जब कभी भी 2 का मल्टीपल हो और 5 का मल्टीपल हो तो वो आसान हो जाता है। तो वही हम क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमें एक जीरो मिलता है, 2 × 5 = 10। तो 12 को अगर हम तोड़ दें 6 × 2 के रूप में और फिर इसको सॉल्व करें, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसको इससे मल्टीप्लाई करें, या फिर इन दो को मल्टीप्लाई करें जो आंसर आए उसको इसमें मल्टीप्लाई करें, तो आंसर सेम आता है, 6 × 2 × 35 = 70। अब ये आसान हो चुका है, 7 × 6 = 42 होता है और पीछे की एक जीरो लग जाएगी, 420 आपका आंसर आ गया। तो ये था एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया हमने। ठीक है, अब ज़रा यहाँ देखिए, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। 12 × 35, 12 को आप तोड़ सकते हैं 10 + 2 इस तरीके से करके, × 35। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो फिर पहले 10 35 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 35 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आया 350, ये आया 70, इन दोनों को आप प्लस करें तो फिर आंसर 420 आएगा। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, ये था एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके, और एक डायरेक्ट मेथड है जो आप 35 को 12 से मल्टीप्लाई कर दे सीधा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आप चाहे जैसे भी आपको कहा जाए आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको आपके साथ ऐसा हो सकता है कि वो ये कहे कि आप कोई आइडेंटिटी कोई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो आप दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए और सॉल्यूशन निकाल दीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एग्जांपल नंबर 4। होप सो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, बाय।